जीपी सर, गुड टू सी यू, आपको देख के अच्छा लगा मुंबई में। थैंक यू जी, थैंक यू। तो मैं जानना चाहूँगा कि एक पहले दिन में ही कैरी ऑन चड्डा 3-10 करोड़ पार कर चुका है, क्या कुछ कहना चाहोगे? इतना सफलता मिला लोगों को, इतना प्यार जो मिल रहा है जी, बहुत अच्छा लग रहा है जी। बड़ी एफर्ट की थी फिल्म के लिए, बहुत बड़ी फिल्म थी। पहले आए थे जब ट्रेलर लॉन्च यही किया है, तो इतनी बड़ी फिगर कभी पंजाबी फिल्म की आई नहीं है। सो सारे रिकॉर्ड्स थे जो सब टूट फूट गए हैं इस फिल्म से। सो बहुत अच्छा लग रहा है, एंड सबसे अच्छा ये है कि ऑडियंस को फिल्म अच्छी लग रही है, क्योंकि नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि ओपनिंग लग गई फिल्म नहीं अच्छी लग रही। सो टचवुड जो सेकंड डे है, मुझे लगता है उससे भी बड़ा आने वाला है। तो जो वीकेंड है, हमने सोचा ही नहीं था कि इस लेवल पर जाएगा। पूरी टीम बहुत खुश है जी इस बात। और साथ ही ये भी सुनने में आ रहा है कि आप बिग बॉस में जाने वाले हो, सलमान भाई से मुलाकात होने वाली है आप? जी 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 जी, बिल्कुल जी, आज उसी के लिए आए हैं, तो बिल्कुल उनसे मुलाकात होने वाली है। मैं बहुत साल पहले यहाँ किसी फिल्म की शूटिंग के लिए आए थे, 2010-11 की बात है, मैं और दिलजीत। तो तब एक बार सलमान भाई को मिले थे, फ़ोटो करवाई थी हमने, तो उसके बाद कभी मिला नहीं मैं उनसे, तो आज इतने सालों के बाद मिलना है पहली बार। और साथ ही बात करें बिग बॉस की, तो आपके मूवी की तो स्पेशल स्क्रीनिंग रखने वाले हो क्या सलमान भाई के लिए कुछ? वो देखेंगे जी, अभी बॉम्बे रखेंगे एक स्पेशल स्क्रीनिंग, आप सबको बुलाएंगे, आप सब आना और बताना हमें फिल्म कैसी लगी जी। और बॉम्बे वालों का खास खास से थैंक यू, क्योंकि पहली पंजाबी फिल्म है जो सोल्ड आउट चल रही है यहाँ पे। सो आई एम सो हैप्पी। साथ ही जाते जाते फैंस के बारे में क्या कहना चाहोगे, जो कैरी ऑन चड्डा को 3, 1, 2, 3 तीनों को प्यार दिए? उनको कहना चाहते हैं कि उन्हीं की वजह से आए हम। सो फैंस ही हैं जो हमें यहाँ तक लेके आते हैं, उन्हीं की वजह से फिल्में हिट जा रही हैं। सो लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। थैंक यू सर, सच्ची बात।